हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी क्रिस्पी जीरा आलू की। ये मसाला फ्लेवर्ड आलू हैं जिसमें मैंने कोई भी वेट चीज़ यूज़ नहीं की है, ना हरी मिर्च और ना ही धनिया। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी एक फ्राइंग पैन में। मैं यूजुअली वो चीज़ें जिन्हें टॉस करना होता है बहुत ज़्यादा, उन्हें फ्राइंग पैन में बनाना पसंद करती हूँ, कढ़ाई में नहीं, क्योंकि टॉस करना आसान हो जाता है। ये नॉनस्टिक फ्राई पैन है और इसमें मैंने लमसम 2 टेबलस्पून तेल डाला है और उसके गर्म होने के बाद में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जीरा, 1 लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हींग डाली है। हींग से इसका फ्लेवर और टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम इन सभी मसालों को हल्का सा हिला लेंगे और इन्हें भुन जाने देंगे। 1-2 मिनट का टाइम आप इन्हें दे दीजिए, इन्हें अच्छे से भुन जाने दीजिए, जिसके बाद आप इनमें आलू डाल दीजिए। क्योंकि हमारे मसाले अच्छे से ऑलरेडी भुन चुके हैं तो हमें इन्हें ज़्यादा देर तक बेस पे नहीं रखना होगा, इसलिए आप इन आलुओं को इस तरीके से टॉस कर दीजिए ताकि मसाला जो है वो आलुओं में, जीरा हींग मिर्च जो है वो आलुओं में मिक्स होकर ऊपर आ जाए। इसके बाद हम आलुओं को गैस पर रख रख के बैलेंस कर कर के पकाएंगे। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे इन्हें हिला दिया है, अब मैं आने वाले 2 से 3 मिनट के लिए इनको इसी तरीके से गैस पे छोड़ दूंगी खुला। आपको इन्हें भाप में नहीं पकाना है, तो आपको इनकी लिड नहीं बंद करनी है, आपको इन्हें खुला ही पकाना है। तो यहाँ मैंने इनको रख कर छोड़ दिया है, अब आने वाले 2 से 3 मिनट के लिए मैं इन्हें इसी तरीके से रखा रहने दूंगी, इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। क्योंकि ये नॉनस्टिक पैन है, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा तेल की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। थोड़ा तेल आप बढ़ा लें अगर आप नॉनस्टिक पैन ना यूज़ कर रहे हों। अब आपने यहाँ देखा मैंने क्या किया, थोड़ी ही देर बाद 2 से 3 मिनट बाद इन सबको टॉस करके पलट दिया। ज़रूरत से ज़्यादा करछुल ना यूज़ करें, आलू टूट सकते हैं, टॉस करके ही इनको पलटें। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे आलुओं को पलट दिया है। तो एक तरफ के आलू कितने अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं और ये मैंने दोबारा टॉस किया 2-3 मिनट के बाद में, तो आप देखिए दूसरी तरफ के आलू भी काफ़ी अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत कलर आ रहा है और इनका क्रंच जो है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन रहेगा, बहुत मज़ेदार लगते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं। तो इस वजह से आप इन्हें इस तरीके से ड्राई पका करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे मैंने यूज़ की है लमसम 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया। मेरे यहाँ मिर्च थोड़ी कम खाई जाती है, इस वजह से मैं मिर्च थोड़ा कम ही डालती हूँ। सो यहाँ पे इन दोनों मसालों को डालने के बाद में मैंने इसे टॉस करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। रीज़न ये है कि अगर मसालों को वैसा ही छोड़ देंगे तो वे जल जाएंगे, तो पहले टॉस कर दीजिए कुछ मसालों के पड़ने के बाद में और उसके बाद में आप उन्हें आगे फर्दर पकाइए। हल्दी की रॉ स्मेल चली जानी चाहिए, इसीलिए सबसे पहले हल्दी मिर्च डाली थी मैंने। अब यहाँ मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है और यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये लमसम 1 टेबलस्पून 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून नमक है। इसे मैंने टॉस करके मिक्स कर लिया है अच्छे से। गैस जो है वो मैंने तेज़ रखी है। यहाँ मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर। इन सबको भी आपस में टॉस कर लेते हैं अच्छे से और आखिर में मैं इसमें डालूंगी आमचूर पाउडर, इसे भी अच्छे से टॉस कर लेते हैं। जरूरत से ज्यादा स्मोक ना होने दें मसाले को, वरना मसाले का टेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आलू जो है उनकी कोटिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है, ये बिल्कुल तैयार हैं, रेडी टू सर्व हैं। उम्मीद है आपको आज की ये आलूओं की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसे इन्हें आप दाल फ्राई के साथ सर्व करके देखें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं ये दाल फ्राई के साथ में। सो अगली ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए देखते रहें मेरा चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वादिष्ट खाएँ और हेल्दी रहें। नमस्कार।